कोरबा में रेलवे के डोर क्लीनिंग से जुड़े ठेका मजदूरों को 3 महीने से वेतन तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। केवल 7,000 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे इन ठेका श्रमिकों की सुध ठेकेदार भी लेने को तैयार नहीं। ठेका श्रमिकों ने अपनी पीड़ा रेलवे के एआरएम से बताई, जिस पर एआरएम ने आश्वस्त किया है कि उनका वेतन नहीं रुकेगा। ठेका कर्मियों की माने तो उन्हें काम करते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं और ठेका कंपनी हमेशा बदलती रहती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए उन्हें वेतन की जरूरत है, लेकिन ठेकेदार को इसकी चिंता ही नहीं। ठेका कर्मियों की माने तो उनका वेतन भी बहुत कम है, उनका पीएफ भी कटना था, लेकिन ठेकेदार ने अब तक ना वेतन बढ़ाया ना ही पीएफ नंबर दिया है। उन्हें डर है कि इसका विरोध करने पर कहीं उन्हें काम से बाहर ना निकाल दिया जाए। क्या काम करते हैं आप लोग? 10 लोग। कितने लोग होंगे कोरबा में? 12 आदमी। तो अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या 3 महीने से होगा सर, जुलाई अगस्त सितंबर से पैसे नहीं मिल पा रहे। अच्छा, कितना वेतन मिलता है आप लोग को? 7,500। पानी बहुत है सर जी, 95 से काम कर रहे हैं और 2 क्लोजिंग का काम करते हैं।